हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ा कि बेसिक ऑफ लैंग्वेज क्या है। इंट्रोडक्शन था उसका, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन स्पोकन और रिटन कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड और कन्वेंशनल वे लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। किसी भी तरह से हम अपना मैसेज जो कम्युनिकेट कर देते हैं दूसरे तक, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। वो चाहे रिटन हो या फिर ओरल हो, हम बोलकर अपना मैसेज कन्वे करें या फिर लिख कर करें। तो ये हमारे पास कुछ लैंग्वेज के फीचर्स है, फीचर ऑफ लैंग्वेज। ये फाइव फीचर्स हैं लैंग्वेज के। डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द एबिलिटी टू टॉक अबाउट टाइम्स प्लेस और पीपल अदर देन हैव हेयर नाउ। जब हम बात कर रहे होते हैं इस जगह की, अभी की, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि ऐसा तब हुआ, ऐसा अब हुआ, ये सारी चीजें, या फिर जगह की बात कर रहे होते हैं कि ऐसा इस जगह पे हुआ, ये इंसिडेंट इस जगह पे हुआ, तो वो क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस ये होता है कि हम कोई वर्ड जब बोलते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर हमारे जहन में बन जाता है, उसका हमारे वर्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, जो रिलेशन वर्ड का और उस चीज का होगा जो हमारे जहन में स्ट्रक्चर बनता है, वो एक आर्बिट्रेरी रिलेशन होता है, उसको आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। जैसा कि वर्ड है ट्री, जब हम ट्री कहते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली किसी ट्री की जो है ना वो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब ट्री जो वर्ड है उसके स्पेलिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे जहन में ये उसकी एक तस्वीर बन जाए कि हमें एग्जैक्ट ट्री ही हमारे जहन में आए, बस ये एक आर्बिट्रेरीनेस रिलेशन है। जो हम जो वर्ड बोलते हैं यानी कि चेयर कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई चेयर ही होगी। तो ये जो है वर्ड की और उसका जो वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है उसकी आर्बिट्रेरीनेस रिलेशनशिप है उनका। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। इसमें यह था कि लैंग्वेज जो है वो प्रोडक्टिविटी को एक्सेप्ट करती है, डे बाय डे जो उसमें चेंजिंग्स होती हैं, जो क्रिएटिविटी होती है वो उसको एक्सेप्ट करती है, डिवेलप करती है, उसको पॉलिश करती है लैंग्वेज दिन ब दिन, और ये सारी चीजें हैं जो है वो उनको एक्सेप्ट करती है। और ये जो इसका सिस्टम है ये इनफाइनाइट है, यानी कि हमेशा इसमें लैंग्वेज में जो है अडेप्टेशन का सिस्टम वो हमेशा से रहेगा। इसी तरह कल्चरल ट्रांसमिशन है। We may inherit brown eyes and dark hair, but we do not inherit language. We acquire a language in a culture. किसी भी कल्चर में हम जो है लैंग्वेज को खुद से अक्वायर करते हैं, वो हमें दी नहीं जाती। Duality है। Duality का मतलब ये है कि दो लेयर्स में लैंग्वेज का होना, यानी कि फिजिकल लेवल एट विच वी कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल साउंड लाइक न, ब, जब एन है तो उसकी साउंड है न, बी है तो उसकी साउंड हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब। ये एक जो है सिंगल साउंड है, जब इनके साथ वर्ड बन जाता है इन साउंड्स के साथ, तो उसको हम कहते हैं ड्यूअलिटी, यानी के टू लेयर्स ऑफ अ साउंड। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, बस ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था। आई थिंक अब हमारे आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर है व्हाट डू यू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के हमारा मकसद क्या है, व्हाट वी डू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। हम क्या क्या लैंग्वेज हिस्ट्री में जो है वो स्टडी करते हैं। We simply don't know how language originated, the ability to produce and sound and simple vocal patterning. A hum versus a chant, for example, appears to be an ancient part of the brain that we share with all vertebrates, fish, frogs, birds, but that isn't human language. हाँ जी स्टूडेंट, क्या फिजिकल लेवल एंड सेकेंड कौन सी होगी? नहीं नहीं सिंगल साउंड होगी, यानी कि एन जो है ये एक सिंगल साउंड है, बी एक सिंगल साउंड है, जब हम रिजाइन लफ्ज बोलेंगे आर सिंगल साउंड है, जी सिंगल साउंड है और एन सिंगल साउंड है, तो वो उसकी ड्यूअलिटी होगी। फर्स्ट लेक्चर मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस किया है, फर्स्ट लेक्चर जो हो चुका है, अब हमारा टाइम जो है वो सेकेंड लेक्चर का ही है, ये ना हो हम उसी को डिस्कस करते नहीं और इसका टाइम खत्म हो जाए।
आज के टॉपिक पे आप देखें कि हम व्हाट वी डू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, हम हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में क्या स्टडी करते हैं। हमें सबसे पहले तो ये नहीं पता कि लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, ये कब बनी, किस तरह बनी, और किस तरह से जो एंशियंट पीपल हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस करते थे वर्ड्स को, या फिर वो जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे बीइंग्स हैं ये फिश फ्रॉग्स वगैरह बर्ड्स वगैरह, उनकी लैंग्वेज को किस तरह से लिखते थे। आज हम जब हमें जब कोई कहता है कि किसी परिंदे की आवाज है, जब हम निकालते हैं तो हमारे जहन में होता है कि ये इसको राइट कैसे किया जाएगा, ये कैसे लिखी जाएगी। हम शो, ये सारे लफ्ज जो हैं हमारे जहन में आ जाते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि जो एंशियंट पीपल हैं वो इन सबको कैसे लिखते थे। वी सस्पेक्ट दैट सम टाइप ऑफ स्पोकन लैंग्वेज मस्ट हैव डेवलप्ड बिटवीन 100,000 and 50,000 ईयर्स अगो, वेल बिफोर रिटन लैंग्वेज। येट अमंग द ट्रेसेस ऑफ अर्लियर पीरियड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी नेवर फाइंड डायरेक्ट एविडेंस और आर्टिफाइज रिलेटिंग टू स्पीच और आर डिस्टेंट। फर्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक नहीं करने, मीन फर्स्ट लेसन। कोमल जावेद हमने फर्स्ट लेसन कर लिया हुआ था, सिर्फ इसको मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके जो है फीचर्स पढ़े थे कि इसके 5 मेन फीचर्स हैं जिनमें आर्बिट्रेरीनेस है, डिस्प्लेसमेंट है और डुअलिटी है, ये सब चीजें, और हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया था उसका। अब आज का टॉपिक है व्हाट वी स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि हमारा जो मेन 501 इंग्लिश का लेक्चर है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज के लेक्चर में हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि लैंग्वेज हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे, या फिर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर हिस्ट्री थी क्या इंग्लिश की। इंग्लिश हिस्ट्री का तो इंसान अंदाजा लगा सकता है कि कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाती। दो या तीन लैंग्वेजेस जब मिलके एक लैंग्वेज को पैदा करती हैं। इस तरह होता है कि अगर हम एक कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हिजरत कर जाते हैं, या फिर दूसरी दो तीन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आपस में कहीं रह रहे हों काफी अरसा तक, अगर वो रह रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगर तीन कम्युनिटीज के लोग रह रहे हैं, वो तीनों कम्युनिटीज के लोग जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो आपस में रहते हैं तो कोई एक जो है वो न्यू लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं। वो क्योंकि जाहिर है कम्युनिकेट तो करना होता है, जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में तो जो वो जिस तरह से उनको ईजी लगता है, या फिर कुछ स्पेशल उनकी एक अपनी लैंग्वेज बन जाती है जिससे हम एक न्यू लैंग्वेज का नाम दे देते हैं। और इंग्लिश भी बिल्कुल इसी तरह है, बाकी ये इटालियन से और फ्रेंच से इसके वर्ड्स हैं वो अक्वायर किए गए हैं, तब ये इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। अब वो कह रहा है कि दुनिया में तकरीबन हम सारी लैंग्वेजेस तो नहीं पढ़ सकते, तकरीबन 6,000 से ज्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। द नेचर साउंड सोर्स द फैक्ट दैट ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड्स विद प्रोनंसिएशन that seem to echo naturally occurring sounds could be used to support this theory. It has also been suggested that the original sounds of language may have some form natural cries of emotion such as pain, anger and joy. We normally produce spoken natural sounds and jab hum kisi takleef mein hote hain ya phir hum kisi ke afsos ka izhar karte hain तो एक नेचुरल साउंड है जो हमारे जहन से निकलता है कि ओह। तो अब हम इसको स्पेलिंग में लिख सकते हैं OOOH, ओह। हमें नहीं पता कि एंशियंट लोग जो थे वो किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते थे। अब हम जब जॉय का जॉय है, किसी भी तरह से कोई जीत गया तो यू वन या आह जो लफ्ज निकालते हैं वो हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। यह मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज की बात हो रही है। The social interaction source, the sounds of a person involved in physical effort, especially when that physical effort involved interaction. Hums, chants, groans. So human sounds, however they were produced, must have had some principle used within social interaction. अब वो कह रहा है कि जो ह्यूमन साउंड्स थी, जाहिर है उनका कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा, उनके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। अब जो जानवरों की साउंड्स हैं वो तो चेंज नहीं हुई, वो जैसे वो बोलते थे आज तक बिल्कुल वैसे ही है।
जबकि इंसान जो है वो उनकी लैंग्वेज जो है वो पॉलिश होती गई है, डेवलप होती गई है। वो ऐसा है कि इसके हर लैंग्वेज का कोई ना कोई प्रिंसिपल होते हैं, असूल होते हैं। जिस तरह के उर्दू जुबान का हम ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश जुबान में हम ग्रामर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई भी वर्ड बिल्कुल ऐसे ही नहीं बना दिया गया, उसके पीछे काफी प्रोसीजर होता है जो बाद में एक वर्ड की शेप बनती है किसी चीज को विविट करने के लिए, उसको वाजह करने के लिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज का द फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट टाइप्स ऑफ साउंड्स, वी कैन लुक एट द टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ह्यूमन पोसेस, स्पेशली दोज दैट आर डिस्टिंक्ट। सम इफेक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ चेंज कैन बी सीन इन फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द स्कल ऑफ अ गोरिल्ला एंड दैट ऑफ न्यूट्रल मैन फ्रॉम अराउंड 60,000 years अगो। अब कुछ ये अडेप्टेशंस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम हमें इसमें अडेप्टेशंस मिलती हैं तकरीबन 60,000 साल पहले से। यानी कि कुछ राइटर्स ने कुछ जो जो लिखा हुआ है, कुछ पोइट्स हैं, वो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश जो है वो बिल्कुल आज की इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ऐसा है कि जो लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि ये इंग्लिश थी या फिर उनका मेंटल लेवल क्या था। सिर्फ उसको हम क्या कहते हैं, वो अडेप्टेशन होती है, वो एज इट इज जो है वो इंग्लिश में आज भी मौजूद हैं, जिनको कोट करते हैं इंग्लिश में। द टूल मेकिंग सोर्स, सम बिलीव दैट मैनुअल जेस्टर्स मे हैव बीन अ प्रोसीजर ऑफ लैंग्वेज। कुछ कहते हैं कि जब इंसान जब इशारे करता है तो वो उसका एक प्रोसीजर होता है लैंग्वेज बनाने का। अब ये डिफरेंट व्यूज हैं कि कोई लैंग्वेज कैसे बनी, यानी कि किसी चीज की घिरने की आवाज आई है तो जो आवाज है वो उसको हम जब लिख देते हैं तो हमारे जहन में जो उसके स्पेलिंग आ जाते हैं तो वो एक उस तरह से लैंग्वेज बन जाती है। कुछ कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जैसे होती है, फेस टू फेस लोग जैसे बात करते हैं, वो मैनुअल इंटरेक्शन जैसे होती है तो उससे लैंग्वेज जो है वो अक्वायर होती है। कुछ कहते हैं कि ये फिजिकल अडेप्टेशन है, कुछ कह रहे हैं कि टूल मेकिंग सोर्स है। द जेनेटिक सोर्स एट बर्थ, द बेबीज ब्रेन इज ओनली अ क्वार्टर ऑफ इट्स इवेंचुअल वेट एंड द लैरिंक्स इज मच हायर इन द थ्रॉट, अलाउइंग बेबीज लाइक दैट ऑफ चिंपनीज टू ब्रीथ एंड ड्रिंक एट द सेम टाइम। तो कह रहे हैं कि जब बेबी होता है तो उसका दिमाग तो बिल्कुल छोटा होता है, उसके जिस्म का काफी ज्यादा हिस्सा, सबसे ज्यादा उसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो उसका लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स से वो स्पेसिफिक प्लेस होती है जहां से हमारी एक तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है और खाने पीने का सारा सिस्टम जो है वो ये थ्रॉट से थोड़ा नीचे लेरिंग्स होता है हमारा। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ लैंग्वेज। हाउ डज द फैमिली मैटर। फैमिली ट्री है। इन 1786 अ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंडिया सर विलियम जॉन्स मेड एन ऑब्जर्वेशन अबाउट संस्कृत। संस्कृत एक लैंग्वेज है। संस्कृत हैज वंडरफुल स्ट्रक्चर, मोर परफेक्ट देन द ग्रीक। ग्रीक जो है ये यूनानी यूनानी जुबान है और संस्कृत भी एक जुबान है। अब इंग्लिश वगैरह के तो इस एज में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडिया में सर विलियम ने ये सर्च की थी कि संस्कृत जो है वो ज्यादा उसका स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट है ग्रीक की निस्बत, मोर कॉपियस देन द लैटिन, लैटिन के निस्बत वो ज्यादा बेहतर है, एंड मोर एग्जीक्यूटली रिफाइंड, येट बोथ ऑफ देम हैव स्ट्रॉन्गली एफिनिटी इन द रूट्स ऑफ वर्ब्स एंड इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रामर। It could easily possibly have been produced by accident. He suggested that number of languages from very different geographical areas must have common ancestors. It was clear, however, that this common ancestor could not be derived from any existing records, but had been hypothesized by the basis of similar features existing in records of language that were believed to be descendants. अब यहाँ वो बात कर रहा है कि किसी विलियम जो है विलियम जॉन्स, इसने जो सर्च की वो ये थी कि लैटिन की निस्बत और ग्रीक की निस्बत संस्कृत जो है इसका स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी लैंग्वेज है जो वो बिल्कुल इस तरह ही लैंग्वेज नहीं बन गई। होता है वाकई ऐसा है कि सबसे पहले जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो जो वो मैनुअल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं या जिस तरह से भी वो अपनी बात को कन्वे करते हैं वो एक लैंग्वेज बन जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस लैंग्वेज का
स्ट्रक्चर बनता है, उसकी ग्रामर बनती है, और जिस लैंग्वेज की ग्रामर ज्यादा मजबूत हो वही लैंग्वेज ज्यादा मजबूत होती है. स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. इफ वी लुक चेंज इन लैंग्वेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डाइवर्जेंट डेवलपमेंट, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेजेस आर बोर्न, हाउ दे ग्रो, चेंज एंड डेवलप. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें या हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि लैंग्वेजेस पैदा कैसे हुई, फिर उनकी ग्रोथ कैसे हुई, वो चेंज कैसे हुई और डिवेलप कैसे हुई. ये किसी भी लैंग्वेज के चार प्रोसेस हैं. सबसे पहले उसका पैदा होना, फिर वो ग्रो कैसे हुई या फिर वो कहाँ कहाँ जाके फैली, नेक्स्ट उसमें चेंजिंग्स क्या आई, और नेक्स्ट ये कि वो डिवेलप किस कदर हुई, उसकी ग्रामर किस कदर परफेक्ट हुई. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर वन लैंग्वेज इज स्पोकन इन टू स्मॉल एडजेसेंट विलेजेस. इन ईच विलेज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज चेंज विल टेक प्लेस थ्रू द यूजेज. हाउएवर द प्रोसेस वुड बी ऑफ स्लो चेंज एंड दीज चेंजेस विल नॉट बी आइडेंटिकल इन द टू विलेजेस. इन अदर वर्ड्स लैंग्वेज वुड डाइवर्ज. ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब एक लैंग्वेज जो जहाँ बोली जा रही है बिल्कुल वही लैंग्वेज जो है वो दूसरे एरिया में बोली जाए. कि हाँ उसने यही बात की है कि अगर दो विलेजेस हैं, बिल्कुल जुड़े हुए विलेजेस हैं, वो सेम लैंग्वेज अगर बोल रहे हैं तब भी उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा. एक विलेज में लैंग्वेज का बोलने का सिस्टम थोड़ा और होगा और दूसरे में और होगा. वो कह रहा है कि चाहे जाहरी तौर पर हमें पता ना भी चले कि इनमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ऐसा होता है. लैंग्वेज जो है वो बाय प्लेस जो है वो चेंज हो जाती है थोड़े एरिया के बाद. यानी कि अगर हम बात करें गुजरांवाला की और फैसलाबाद और मुल्तान, आप देख सकते हैं कि सारे एरियाज में है. अगर सिर्फ पंजाबी की ही बात करें तो पंजाबी भी हर एरिया में डिफरेंट है. गुजराती पंजाबी कोई और होगी, फैसलाबादी पंजाबी कोई और होगी. ये लैंग्वेज की कुछ स्टेजेस हैं. नेक्स्ट है लैंग्वेज फैमिलीज एंड फैमिली ट्रीज. द प्रोसेस ऑफ डाइवर्स डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंग्वेज अकर्ड मेनी टाइम्स इन ह्यूमन हिस्ट्री. ऐसा बड़ी दफा हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में कि जो न्यू लैंग्वेजेस हैं वो अक्वायर हुई हैं या फिर वो पॉलिश हुई हैं. नाउ ओवर 6,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. वो कह रहा है कि अब तकरीबन 6,000 जुबानें हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं. मेनी ऑफ देम बिलोंग टू सम ग्रुप ऑफ रिलेटेड लैंग्वेज एंड सम ऑफ दीज ग्रुप्स आर वेरी लार्ज कंसिस्टिंग व्हाट वी कैन कॉल लैंग्वेज फैमिलीज. और कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो एज अ ग्रुप्स में हैं, उनको हम लैंग्वेज फैमिलीज कह सकते हैं. यानी कि अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस की, तो ये उर्दू, पर्शियन, अरबिक, ये सब जो है. उर्दू जाहिर है एक लश्करी जुबान है. जब ये इकट्ठे हुए, यानी कि पर्शियन बोलते थे कुछ लोग, पर्शियन बोलते थे कुछ, हिंदी बोलते थे कुछ, अरबिक बोलते थे, वो सब जब इकट्ठे हुए तो तब ये जो जुबान उर्दू है ये बनी है. और इस तरह से ये एक ही ग्रुप होगा, यानी कि ये सारी लैंग्वेजेस का एक ही ग्रुप होगा. इसी तरह कुछ लोग संस्कृत बोलते थे, कुछ ग्रीक बोलते थे, कुछ फ्रेंच बोलते थे, कुछ लैटिन बोलते थे, और ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इन सब का एक ग्रुप होगा. अगर ग्रुप वाइज देखें तो इंग्लिश के साथ उन सबका ग्रुप होगा, उर्दू के साथ इन सबका ग्रुप होगा, और इनको हम लैंग्वेज फैमिलीज कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज. फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड अंडर दिस टॉपिक. व्हाट आर द फ्यूचर लाइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द फ्यूचर ऑफ अ लैंग्वेज. वो कह रहा है कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं फ्यूचर लाइन में, और कौन क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लैंग्वेज को. व्हाट हैज बीन द लाइन ऑफ डेवलपमेंट and what will be the future line of development, what will be the number in future, how will it determine, does the past precedence mean a consistent increase in number, why and how. ye sab question hai jinka hame answer karna hai ki kis tarah se future possibilities kya hai. future possibilities ki agar hum baat kare to language jo hai wo day by day change hoti rahegi. ek waqt aisa aayega ki hum jo language ab bol rahe hain ye sirf ek book ki language ban jayegi. इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश जो है वो पहले बहुत ज्यादा इस तरह से पॉलिश नहीं थी. अब तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है. पहले जब ग्रीक लैंग्वेज इसमें मिक्स हुई हुई थी, तब हम जिसको अब वर्ड बोलते हैं दे, टी एच ई वाई दे,
या यू बोलते हैं, वाई ओ यू। तो ये जब लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जब अक्वायर हुई थी, यानी कि अगर हम तकरीबन जाएं 50-60 साल पहले, तो तब यू के लिए वर्ड यूज होता था दाए, दाए पेन, THY, दाए पेन। अब ये है कि वो दिन ब दिन उनका ग्रामर जो है वो मजबूत होती गई, या ये लैंग्वेज जो है वो पॉलिश होती गई, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। अब वो जो लैंग्वेज है जो एंशियंट पीपल बोलते थे, अगर उनकी कोई रीडिंग हमें मिलती है किसी इस तरह की इंग्लिश की, जो बहुत पुरानी है, एक पोएम है तकरीबन 700-800 लाइन्स की है, 700-800 से भी ज्यादा, आई थिंक 1400 लाइन्स की पोएम है जो मिलती है एंशियंट दौर से, काफी पुरानी, तो वो सिर्फ एक अडेप्टेशन ही होती है। वो सिर्फ हम ना तो आजकल के लोग उसे समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते थे, क्योंकि एंशियंट पीपल जो है वो ज्यादातर बाय ओरल कम्युनिकेशन होती थी उनकी, रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं मिलती। इंग्लिश हिस्ट्री में अगर हम देखें तो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम है, बहुत कम बुक्स लिखी गई, या फिर ऐसा हुआ कि जब एक लैंग्वेज है, रोमन डेवलपमेंट हुई थी तकरीबन 1967 में, तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि जो पिछली लैंग्वेज है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था, मुकम्मल तौर पर उसका जो वजूद है खत्म किया गया था। तो कुछ बुक्स, कुछ पोएम्स हैं जो हमें मिलती हैं उस दौर की, तो जिससे हमें अंदाजा होता है कि पहले लैंग्वेज कैसी थी और अब जो है उसमें क्या क्या चेंजिंग आई है, और ये चेंजिंग हमेशा ऐसे ही रहेंगी, आती रहेंगी। हाँ जी, पैराडाइज लॉस्ट में भी ये जो इस एज के 14 सेंचुरी के ही है, आई थिंक वो भी 14 सेंचुरी में भी यही लैंग्वेज, यही वर्ड्स यूज होते थे, दाए एंड दिस, लाइक दिस। उसके बाद से ये स्टूडेंट्स, आप एक दफा हेडलाइन, इसकी आउटलाइंस देख लें, आउटलाइंस देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो हमारे दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा कि लैंग्वेज का ओरिजिन क्या था, नेक्स्ट के लैंग्वेज कैसे बनी, कैसे उसकी ग्रोथ कैसे होती है, फिर लैंग्वेज जो है वो फ्लोरिश कैसे होती है, फैल कैसे जाती है, फिर वो डिवेलप कैसे हो जाती है, फिर लैंग्वेज फैमिली क्या होती है, लैंग्वेज फैमिली और फैमिलीज क्या होता है, लैंग्वेज ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारे, जब एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, तो आप ये सारे टॉपिक के साथ उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। उसमें फिर उसकी स्टेजेस आ जाती हैं, स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, उसकी स्टेजेस क्या हैं, या फिर किस किस तरह से जो है वो लैंग्वेज डिवेलप हुई, या फिर उसमें अडेप्टेशन कौन कौन सी हुई, किस किस लैंग्वेज ने मतलब उस लैंग्वेज का साथ दिया। उसमें अडेप्टेशन भी ऐसे होती है कि लतीनी जुबान के लफ्ज, लैटिन जुबान के जो वर्ड्स हैं वो किस कदर है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हमें पता चल जाता है, कितने परसेंट किसी लैंग्वेज में है, कितने परसेंट कोई लैंग्वेज जो है वो उसका अपना वजूद है, कितने परसेंट उसमें अडेप्टेशन हैं बाकी लैंग्वेजेस के वर्ड्स आए हुए हैं। हाँ जी, ग्रोथ और डेथ की बात कर लें। लैंग्वेज ग्रोथ ऐसे होती है कि जब कोई भी लैंग्वेज बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो कम्युनिटीज मिलती हैं, तो उनको हम ग्लॉस कहते हैं। एक लैंग्वेज को एक आइसोग्लॉस होगा और दूसरी लैंग्वेज जो बोलेगी बोली जाएगी वो एक और आइसोग्लॉस होगा। वो जब दो आइसोग्लॉस आपस में मिल जाएंगे तो वो एक डेसोग्लॉस बन जाएगा, जहां से लैंग्वेज है वो डिवेलप होगी। और लैंग्वेज डेथ ऐसे होती है कि जब उस लैंग्वेज के बोलने वाला कोई ना रहा हो, या उस लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें ना रही हो, मतलब उसको किसी ने राइट ना किया हो। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनकी डेथ हो गई है सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास उनका कोई राइटिंग मटेरियल नहीं था। बाकी इसकी डिटेल तो काफी ज्यादा है, अभी तो लेक्चर का टाइम एंड हो गया।